हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं लास्ट पायरेट आइलैंड सर्वाइवल एडवेंचर। सो लास्ट एपिसोड में आप सभी को याद होगा, हम लोगों ने अपनी शिप को अपग्रेड कर लिया था, बट अब नेक्स्ट लेवल में अपग्रेड करने के लिए अपने को चाहिए एंकर। वो एंकर अपने को केव के अंदर मिलेगा। केव का रास्ता ओपन करने के लिए अपने को चाहिए बॉम्ब, एंड बॉम्ब बनाने के लिए जो भी सामान अपने को चाहिए था वो ऑलरेडी मैंने अनलॉक कर लिया है। तो फटाफट से हम लोग चलते हैं केव के पास में, बॉम्ब बनाएंगे एंड उस केव के एंट्रेंस को हम लोग फोड़ने का ट्राई करेंगे। लेट्स सी, देखते हैं अपने को अंदर एंकर मिलता है या नहीं मिलता। सबसे पहले तो यहाँ पे इस क्रैप को मारो भाई। ये क्रैप कभी कभार तो अपने को मीट देता है, कभी कभार अपने क्रैप जो है ना अपने को मीट नहीं देता भाई। यहाँ पे हम लोग पहुँच तो गए, एंड यहाँ पे जो है ना अपने को लगाना है बॉम्ब, एंड बॉम्ब बनाने का सारा सामान मेरे पास है। तो फटाफट से मैं यहाँ पे बॉम्ब वगैरह क्राफ्ट करता हूँ, एंड बॉम्ब को क्राफ्ट करने में लगभग 5 मिनट लगेंगे। तब तक हम लोग थोड़ा सा यार एक्सप्लोर करते हैं, एंड जैसी बॉम्ब बन जाएगा तो डोर तोड़ने का ट्राई करेंगे। बट यहाँ पे मेरे साथ काफ़ी गलत स्कैम हुआ। मैंने सोचा मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है, बट यार रिकॉर्डिंग ऑन ही किया एंड मैं केव के काफ़ी ज़्यादा अंदर आ गया था, एंड तब जाके मेरे को पता चला भैया केव की रिकॉर्डिंग तो मैंने ऑन ही नहीं किया। बट चलो कोई नहीं, आधी रिकॉर्डिंग है, चलता है भाई। यहाँ पे स्केलेटन्स है, सबसे पहले तो मेरे को स्केलेटन्स को मारना पड़ेगा। ओके, मैंने यहाँ पे स्केलेटन्स को मारा। मुझे पता नहीं था केव इतना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा कि यहाँ पे मैं एक दो बारी मर भी जाऊँगा, बट यार ऐड देख के मैंने फाइनली अपने आप को बचा ही दिया भाई। यहाँ पे एक साथ दो दो स्केलेटन्स, इनको मारता हूँ। यार मेरा तलवार जो है ना वो भी टूट चुका है, एंड मेरे पास गोल्ड कॉइन्स नहीं है तलवार को रिपेयर करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ऐसे करता हूँ ना, ये नई तलवार मैंने बनाई है, इससे मैं इन स्केलेटन्स को मारने का ट्राई करूँगा भाई। ये काफ़ी ज़्यादा, जिसने आर्मर पहना है ना वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। तो भाई जैसे तैसे हमने इसको मारा, एंड अभी हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं। अबे यार यहाँ पे एक और है, चलो इसको भी मारता हूँ भाई। कितना डैमेज खाएगा ये। ओके, तो यहाँ पे इसको मारा। यहाँ पे एक डब्बा है, इसको खोल के देखता हूँ, क्योंकि केव के अंदर हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करी है यहाँ आने के लिए। तो इसके अंदर डेफिनेटली अपने को कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट तो मिलेगा भाई। यहाँ पे अपने को बॉन मिला, और ए गाइस ये मेन एंट्रेंस है जहाँ पे अपने को मेन लूट मिलने वाला है। बट यहाँ पे एक और एंट्रेंस था, उससे थोड़ा मैंने यहाँ पे रेड कलर की केन मिला मेरे को। ओके, इसमें से मेरे को रोप मिला एंड प्लेट। प्लेट का मुझे यूज़ नहीं पता, प्लेट का क्या यूज़ होगा। अरे भाई अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो चलो हम लोग चलते हैं अंदर, देखते हैं अंदर क्या। यहाँ पे तो कुछ नहीं है, उधर के साइड जाके देखते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे फाइनली अपने को एंकर मिला, एंड अभी अपने को यहाँ से बाहर निकालना है। आई थिंक इनको यूज़ करके हम अपने को नीचे ढालना होगा। मैं इनको नीचे डालता हूँ। अरे यार ये कहाँ से आ गए भाई, इतने सारे ज़ॉम्बीज को मारूंगा कैसे, मर जाएगा मैं, मेरे पास हेल्थ भी नहीं है। एंड यहाँ आने के लिए मेरे को काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे मर गया था, वो मैंने काट लिया है क्योंकि ऐड वगैरह देखा था ना। चलो इसको मैं पूरे का पूरा क्लियर करता हूँ। चल भाई, तो भाई जो भी केव में आएगा वो एटलीस्ट यार पूरी की पूरी हेल्थ किट वगैरह लेके आना भाई। यहाँ पे एक और स्केलेटन डब्बा को लूटना है मेरे को, बट यार ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करेंगे। मैं ऐसे करता हूँ ना, सबसे पहले तो इनको लेके चलता हूँ नीचे, एंड जैसे ये ऊपर आएंगे तब तक हम लोग सामान उठाकर यहाँ पे सब भागने का ट्राई करेंगे भाई। ये तो नहीं मरेगा, चल भाई नीचे निकलो यहाँ पे से। यहाँ पे से मैं नीचे आया, इनको नीचे आने दो। जैसे ये नीचे आएंगे मैं एकदम से ऊपर निकलूंगा, लूट क्रेट उठाऊंगा और भग जाऊंगा यहाँ पे से भाई। दे दे, चलो ठीक है यार, अब मैं स्पिन वगैरह तो नहीं कर रहा हूँ, सारा का सारा सामान लेता हूँ और भागो। यहाँ पे लेक है, नीचे कूद जाओ भाई पानी के अंदर। तो मैं यहाँ पे से निकल ही गया जैसे तैसे करके, लेट्स गो। तो ओके गाइस, यहाँ पे हम लोग केव के अंदर से तो निकल गए, बट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पूरा मैं केव दिखाऊंगा यहाँ पे। बट यार यहाँ पे भी स्केलेटन्स होते हैं, तो अपने को थोड़ा सा सेफ रहना पड़ेगा। अभी मैं स्केलेटन से फाइट नहीं लूंगा, डायरेक्ट यहाँ पे से हम लोग बाहर निकलते हैं। भाई नहीं, तू पीछे छोड़ दे मेरा। चलो निकल गए हम लोग काफ़ी ज़्यादा बाहर, बट अभी मेरे को सबसे पहले तो हेल्थ वगैरह इंक्रीज करना पड़ेगा अपना। मैं एक बैंडेजेस वगैरह बनाऊँगा हेल्थ फुल करके, फिर मिलता हूँ आपसे बाद में। बट उससे पहले हम लोग ऐसे करते ना अपना सिप भी अपग्रेड करेंगे। आ तो कोई नहीं रहा है अभी, बट मेरे को रोप कलेक्ट करना है, स्टोन्स कलेक्ट करना है, वुड मेरे पास है। देखो मेरे को रोप चाहिए,
रोप के लिए मेरे को सुगर कैंस वगैरह फार्म करना पड़ेगा, देखता हूँ मेरे पास कितनी रोप्स हैं, बट यार मेरे पास ज़्यादा रोप्स नहीं है, तो अपने को थोड़ा सा रोप्स वगैरह भी बनाना है। तो चलिए अभी हम लोग कुछ देर ग्राइंड करते हैं, सुगर कैन वगैरह फार्म करेंगे एंड आई होप तब तक अपने को मिल ही जाएगा। तो ओके गाइज, यहाँ पे मैं आया था, मैंने कहा आप लोगों को मैं एक बारी केव दिखा लेता हूँ, भाई मैंने इसको तोड़ा है, दूसरे का वीडियो उठा के नहीं डाला। तो देखो गाइज, यहाँ पे मैंने तोड़ा था, बट अभी ये दोबारा से रिफ्रेश 8 घंटे बाद होगा, तो हम लोग चलते हैं सुगर कैन वगैरह कलेक्ट करते हैं और करते हैं अपने सिप को अपग्रेड। तो काफ़ी देर सुगर कैन कलेक्ट करने के बाद अभी मेरे पास इतना ज़्यादा सुगर कैन हो चुका है कि हम लोग वेविंग मशीन में इनका रोप वगैरह क्राफ्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलता हूँ मैं फटाफट से अपनी मशीन के पास एंड वहाँ पे अपना रोप वगैरह क्राफ्ट करते हैं। लेट्स गो। कितना है अपने पास? लगभग 5, ठीक है, और 17 रोप्स मैंने ऑलरेडी पहले बना लिया है, बस अपने को 3 रोप्स और चाहिए। तो थोड़ा सा वेट करते हैं हम लोग एंड रोप उठा के फटाक से करेंगे अपना हम लोग सिप को अपग्रेड। बट एक बार ही देख लेता हूँ अपने को क्या ज़रूरत है। आई थिंक स्टोन की ज़रूरत होगा, बट स्टोन तो मेरे पास ऑलरेडी बॉक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, तो एक एक करके हम लोग सारे के सारे बॉक्सेस में चेकआउट करते हैं। ओके गाइस, ये रहा देखो, 200 स्टोन तो यहीं पे पड़ा हुआ है, एक यहाँ पे रखता हूँ, अभी 50 स्टोन्स की जगह और है, रोप भी मेरे पास लगभग 20 हो गया है। लेट्स गो गाइस, फटाफट से हम लोग अपना सिप को अपग्रेड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मे बी अपने के लिए मैं घर वगैरह बनाऊंगा। लेट्स गो। अरे भाई फाइनली अपना सिप वगैरह बन गया है ना, हो बन गया। कितने में अपग्रेड हुआ? लेवल 5 में। ओके सो फाइनली गाइस, यहाँ पे अपना सिप जो है ना लेवल 5 में अपग्रेड हो चुका है एंड अब देखते हैं अपने को अपग्रेड करने के लिए क्या क्या चाहिए। मैं थोड़ा सा स्टोन्स वगैरह फार्म करता हूँ, यानी स्टोन की भी ज़रूरत होगा अपने को अभी, क्योंकि अपन लोगों ने सारे का सारे स्टोन्स लगा दिया इस पर। एंड अभी अपने को क्या चाहिए? मेटल ओर। तो भाई अपने को मेटल ओर चाहिए और मेटल ओर भी चाहिए एंड मुझे जो है ना सबसे पहले तो अभी अपने के लिए फर्नेस बनाना है एंड सवल, क्योंकि आपने देखा होगा मैं जब भी फिशिंग करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे एक मैप मिलता है, ट्रीजर मैप, तो अपन को जो है ना वहाँ से डेफिनेटली काफ़ी अच्छा अच्छा लूट मिलेगा। सो ट्रीजर मैप को कलेक्ट करने के लिए मेरे को सवल चाहिए, सवल के लिए मेरे को चाहिए होगा फर्नेस एंड अभी फर्नेस बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए? आई थिंक मैंने फर्नेस क्राफ्ट में लगा लिया, बट फर्नेस को बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तब तक हम लोग थोड़ा सा अपने के लिए ना सामान वगैरह कलेक्ट करते हैं। तो यार मैं यहाँ पे आया केव के पास में एंड यहाँ पे मेरे को जायंट क्रैब मिला, भाई मैंने कहा मज़ा ही आ गया। जायंट क्रैब्स को हम लोग बाद में मारेंगे, बट अभी सबसे पहले तो मैं आपको मेटल वगैरह दिखाता हूँ। भाई अभी मैं क्रैब से फाइट नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता, बट इसको तो मैं मार ही सकता। चलो इसको मारता हूँ, चल भाई तू निकल, स्क्रैप्स मिल गया, स्क्रैप्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ओके गाइस, फाइनली काफ़ी ज़्यादा लंबा ट्रैवल करने के बाद इसके बाद जो है ना अपने को फाइनली यहाँ पे मिलेंगे क्रोकोडाइल्स। क्रोकोडाइल्स को मारने का ना एक काफ़ी गजब का ट्रिक है, वो आपको दिखाता हूँ। क्रोकोडाइल आप में अटैक भी नहीं करेगा एंड ये ट्रिक ढूंढने में मेरे को लिटरली गाइस काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था। तो देखो आपको क्या करना है, नीचे आना है एंड इस जगह में आप लोग क्रोकोडाइल को लेके आओगे। देखो मैं लेके आता हूँ, आ जा भाई, इसके पास जाना पड़ेगा, थोड़ा सा और पास चलता हूँ। अरे आ गया मेरे पीछे, भग भाई यहाँ पे से। देखो गाइस यहाँ पे आया। ओके सो ये लास्ट जोन है इसका, यहाँ पे मेरे को सबसे पहले तो एक अटैक करना है इसमें, जैसे ही अटैक करेगा ना भागेगा, बस आपके पास यही टाइम है जब आप लोग इसको मार सकते हो। तो फटाफट से यार मैं मारने का ट्राई करता हूँ। अब यार क्रैप से तो पंगा नहीं लूँगा, बट यार वो वहाँ पे चले गया उसके फ्रेंड के पास में, कोई नहीं, ये दोबारा से अपने पीछे आया, अपने को दोबारा से वही प्रोसेस अगेन करना है एंड इसको अब तो मैं मार ही दूंगा। आ जा भाई, ले खा फटका, भागेगा तुम्हें। ये ना अपने को गोल्ड कॉइन्स एंड स्क्रैप्स काफ़ी ज़्यादा देता है, जिससे हम लोग कुछ भी चीज़ रिसर्च कर सकते हैं एंड इससे अपने को मिलेगा क्रोकोडाइल का स्किन, जो कि अभी अपग्रेड करने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने के लिए। तो मैं सारे के सारे क्रोकोडाइल्स यहाँ पे मारूंगा एंड उसके बाद अभी मेरे को ना वो भी कलेक्ट करना है मेटल, बट मैंने मेटल वगैरह तो कलेक्ट कर लिया। तो चलिए गाइस अभी हम लोग ऐसे करते हैं ना, यहाँ पे से निकलते हैं सीधा अपने बेस के तरफ, बट अभी मेरे को जायंट क्रैब्स को भी मारना है। लेट्स गो।
ओके यार, यहाँ पे हम लोग पहुंचे और जायंट क्रैब किधर है? आई थिंक इधर ही होगा ना। हाँ वो रहा, उसको मारता हूँ। मुझे नहीं पता डैमेज कितना देगा ये, देखना पड़ेगा इसके पास जाके। आजा भाई जायंट क्रैब। छोटा वाला क्रैब को तो एक फटका मारूंगा। और यार मेरे पे अटैक किया है, रुक जा, ले निकल पहली फुर्सत में। चलो यार यहाँ पे मैंने एक क्रैब तो मारा, अब मारते हैं हम लोग जायंट क्रैब। भाई ये तो काफी दूर तक अटैक करेगा। हाँ मैं समझा यार, जैसे ही अपने अटैक करेगा ना, अपने को दूर भागना है, तब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तब हम लोग इसको मार सकते हैं। देखो गाइस अभी हम लोग, अरे यार मेरा यही टूट गया, मेरे को रिपेयर करना पड़ेगा। गोल्ड कॉइन है मेरे पास, लेट्स गो, 10 गोल्ड कॉइन यूज़ करता हूँ। ओके अपना ये रिपेयर हुआ, आ जा भाई, अब नहीं बचेगा तू। चार अटैक कर सकता हूँ मेरे इसमें, जो थोड़ा सा मेरे को टाइम मिलेगा ना उसमें। भाई आ रहा है ये मेरे पीछे, रुक जा, ले निकल। एक और क्रैब आया उसमें छोटा, तो उसको कोई टेंशन नहीं है, अपन लोग इसको पहले मारेगा फिर छोटे वाले क्रैब को मारेगा। चल भाई निकल। तो ओके गाइज यहाँ पे दोनों साथ मारा। अरे भाई इसने कुछ मेरे को ट्रीजर दिया है, देखता हूँ इससे क्या मिलता है। मेरे को थोड़ा सा क्लॉक मिला एंड लॉक मिला, जो कि मीडियम स्टोरेज बॉक्सेस बनाने में आएगा काम। तो चलो गाइज फाइनली आज के वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मे बी हम लोग फर्नेस बनाएंगे, एंड फर्नेस में जो है ना मेटल मेल्ट करके अपने के लिए सवल बना के फिर जो है ना हम लोग ट्रीजर हंट करेंगे यहाँ पे। तब हम लोग फिशिंग वगैरह भी करेंगे, क्योंकि अपने को ट्रीजर मैप चाहिए, एक ट्रीजर तो यहीं पे है। तो चलो फिर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, मन करे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ फिर गाइस मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। एंड चलो यार पहले बेस में चलते हैं, आई थिंक अपना फर्नेस बन गया होगा, तो फर्नेस प्लेस कर लूंगा मैं यहाँ पे। ऐसा करते हैं ना, फर्नेस हम लोग नेक्स्ट डे ही प्लेस करेंगे, अभी प्लेस करके कोई फायदा नहीं है, फिर मज़ा नहीं आएगा। तो चलो फिर बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।